हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जमीनी विवाद में युवक की हत्या, लाठियों से किया था हमला, अस्पताल में तोड़ा दम, परिजनों ने किया प्रदर्शन। जोधपुर शहर के निकटवर्ती गुड़ा विशोयान गांव में जमीनी विवाद के चलते कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों पर लाठियों व बेसबॉल बल्ले से पिटाई कर दी। इस घायल युवक की मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उसके मौत के बाद आज सुबह अस्पताल में मोर्चरी के बाहर काफी संख्या में परिजन व परिचितों की भीड़ जमा हो गई और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लग गए। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक शव को ले जाने से मना कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने उनसे समझाइश की। एसपी बोरानाड़ा मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि गुड़ा विशोयान गांव का रहने वाला जवरीलाल पुत्र बाबूलाल विशोई गत 18 मई को अपनी बाइक पर दूध लेकर घर की तरफ लौट रहा था। तब बीच रास्ते अशोक व उसके भाई सुभाष विशोई पुत्र तेजाराम, दिनेश पुत्र मांगीलाल, निर्मा पत्नी अशोक एवं सोनी पत्नी तेजाराम आदि ने उसका पीछा करते हुए बाइक को टक्कर मार कर रुकवाया और लाठियों व बेसबॉल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए जवरीलाल को उपचार के लिए उसी दिन मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी शुक्रवार रात को उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलने पर आज सुबह काफी संख्या में परिजन व परिचित अस्पताल पहुंच गए। यहां उन्होंने मोर्चरी के बाहर धरना दे दिया और हत्या के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने तक शव ले जाने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पहुंचे और समझाइश की। एसपी राठौड़ ने बताया कि वक्त घटना पर हत्या प्रयास का केस दर्ज किया गया था। एक अभियुक्त अशोक खावा को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। आरंभिक पड़ताल में सामने आया कि इनके बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। मृतक जवरीलाल के पिता बाबूलाल की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।